अरे बाबा घुसा मोबाइल में, मर जा मोबाइल में, पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज है कि नहीं? आखिर तो सीरियस कब होगा? जब आप मुझे वसीम सेल ट्यूटोरियल्स में डालोगे। क्या इनायत, क्या माफ सर, तुम अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस कब होंगी? जब आप मुझे वसीम सेल ट्यूटोरियल्स में डालोगे तब। क्या दिन रात क्या सोता रहेगा? आखिर पढ़ाई को लेकर सीरियस कब होगा? जब आप मुझे वसीम सर ट्यूटोरियल में डालोगे। अब स्टडीज को लेकर सब होंगे सीरियस, क्योंकि वसीम सर ट्यूटोरियल्स में ही मिलेगा आपको वन ऑन वन टीचिंग एक्सपीरियंस, जहां पर हर एक स्टूडेंट को एक टीचर अलॉट किया जाएगा, ताकि स्टडीज में स्टूडेंट का फोकस बना रहे। हमारे टीचिंग मेथड को समझने के लिए आज ही हमें कॉन्टेक्ट करें। दसवीं बोर्ड का एग्जाम देकर बाहर निकले छात्र देने लगे अपना स्पेशल एग्जाम। देखिए कालसेकर हाई स्कूल एंड कॉलेज के बाहर का नजारा। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बारहवीं के बोर्ड एग्जाम खत्म होने पर है और दसवीं के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। क्या नजारा होता है मोवरा कौसा के जो बोर्ड एग्जाम के सेंटर्स जहां जा बने हुए, तो एक है शहर का एक प्रख्यात और अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कालसेकर हाई स्कूल एंड कॉलेज, इसके ठीक सामने नूरी हाइट्स बिल्डिंग है। अब बुधवार 20 मार्च की ये दो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दसवीं के सभी छात्र हैं और वीडियो बनाने वाले ने इसमें साफ तौर पर कहा है कि ये रोजाना का नजारा है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अब ये छात्र बोर्ड का एग्जाम देकर के बाहर निकलने के बाद किस तरह से अपना स्पेशल एग्जाम यहाँ पर दे रहे हैं, जिसमें ये अब माहिर हो चुके हैं। देखिए ये दो वीडियो, हम इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ओ जरा हाथों हाथ हटाओ, ये कालसेकर के पास है कॉलेज छूटने के बाद, ये रोज का तमाशा है। देखो एक दूसरे को यहाँ फोड़ते ही है। यहाँ प्रशासन के पुलिस वाले रहना चाहिए,